गाइस, तुम फिर से खेलने वाले हैं रुको प्रो वाइस टाउन। और गाइस अब देखिए यहाँ पर आया था क्योंकि यहाँ पे दौड़ने के लिए वहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे जिम करने के लिए, तो इसलिए आया था ये। हर वक्त थोड़ी जॉगिंग बस करेगा, थोड़ा दौड़ना भी तो चाहिए, इसीलिए आया। तो गाइस तैरना भी बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन टिप्सन भाई का तभी मेरा कॉल आ गया, इसका आधा ही प्रैक्टिस चल रहा था कि तुम जल्दी से आ जाओ एक काम है। और गाइस ये देख लो कितना मस्त लगता है हमारा सॉरी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना मस्त है गाड़ी लगाया हुआ यहाँ पर इसने, ये टिप्सन भाई ये गाड़ी थी। और एक कसीनो के अंदर ले आया गाइस, यहाँ पर कोई इसको डांटने वाला नहीं है क्योंकि यही है सब इसका। और गाइस यहाँ पर आ चुके हैं, कसीनो से बाहर चलते हैं अभी 2 मिनट में। बस टिप्सन भाई का पता नहीं क्यों कॉल आ रहा है, वो बोले भाई कुछ बंदों ने कुछ किया है पता नहीं है मुझे भी, और वहीं पे जाकर चेक करना है बस क्या हुआ है। और यहाँ पर कसीनो में बोर्ड भी मिलती है गाइस, लेकिन मैं अभी चला नहीं रहा। और फटाक से पहले सबसे पहले टिप्सन भैया काम, और कोई हो चाहे ना हो लेकिन सबसे पहले टिप्सन भैया काम होना ही चाहिए। और मैं बस 2 मिनट में गए कसीनो। और ये देखिए ये स्कूल है इसके, अभी स्ट्रेट गए तो आ गया हमारा टिप्सन भाई का घर। और देखिए मैंने लोकेशन पहले से ही कर दिया था, और देखिए हम पहुँच गए हैं भाई, ये टिप्सन भाई की गाड़ी है। तो यहाँ पे रुका देते हैं और पूछते भाई टिप्सन भाई क्या हुआ। टिप्सन भाई ये लो अपनी कार, ठीक है ठीक है ठीक है, और एक मुझे तुम्हारा तुमसे काम करना है। वहाँ पर जो मेंशन था वहाँ पर बहुत सारे गुंडों ने ये किया है, हमला कर दिया, उसके मालिक बोला है कि अगर तुम उनसे भगा देते हो तो वो पैसे भी दे सकते हैं हमें। तो ठीक है, तो गाइस हम उनको भगाते हैं। तो गाइस वो मेरा दोस्त है, वो उस ठिकाने का पता जानता है, तो इसीलिए वो बोला है कि तुम यहाँ पर जाओ। और वो भी मेरा दोस्त आएगा, और ये टिप्सन भाई गाड़ी समझाने वाले हैं। और वो दोस्त ज़्यादा दूर दूर रहेगा गाइस, क्योंकि मुझे दूर दूर रहना है, ज़्यादा उसके क्लोज नहीं जाना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि ये हमारे दोस्त का गाड़ी है गाइस। और नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि भाई यही गाड़ी लेके आया, बाद में हमारे दोस्त को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं एकदम ना ज़्यादा पास में और ना ज़्यादा पीछे करने वाला हूँ। तो एकदम धीरे धीरे जाएंगे गाइस, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जब तक पहुँचेंगे तब तक हो जाएगा। और वीडियो को भी लाइक कर, भाई हमारा दोस्त कैसे चला रहा है गाड़ी, ये भाई किधर जा रहा है, तो उसको अच्छे चलाना नहीं आ रहा क्या भाई साहब। तो ये मुझे मेंशन की तरफ ले जा रहा है, वो भाई ज़्यादा क्लोज नहीं और भाई ज़्यादा दूर भी नहीं चाहिए, और मैं बस यहीं पर पहुँच रहा हूँ। भाई ये किधर किधर टर्न मार रहा है भाई, रुको रुको रुको, अबे यार ये कैसे चला इसको पता है, तो फटाक से जाना चाहिए, इतने धीरे धीरे चला रहा है। और गाइस हम लग रहा है मुझे पहुँचने वाले वहाँ पर, और यहाँ पर गोल्डन कार थी गाइस, लेकिन वो गोल्डन कार यहाँ पर ये होता है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे पतली लेयर का बस 10% ही गोल्ड होता है, बाकी ऐसे ही नॉर्मली होता है। और गाइस हम पहुँच ही गए वहाँ पर, वाह भाई वाह पहुँच गए अभी दोस्त यहाँ पर, इसी मेंशन मुझे पता था, इस मेंशन में एक बार और हमला हुआ था, तो मैंने नहीं पुलिस वाले ने बचाया था इस बार, लगता है कि बहुत ही कुछ। तो गाइस टिप्सन भाई ने बोला कि तुम इस लोकेशन पे जाओ और तुरंत अपना ये निकालो, क्योंकि उनको लगता है पता चल चुका है, और हमारा दोस्त पहले से भागी जा रहा है गाइस, वो सोच रहा है कि मेरा नाम मत आ जाए, इसलिए फटाक से कौन सा नाम निकाले गाइस, ये निकाल लेता हूँ मैं। और चलते गए कवर लेके भाई, चलो 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 चलो, अबे यार गाइस एक मिनट, अबे भाई कवर ले लेने, अरे यार यहीं पे खड़ा है तू, ये ले तो। तो गाइस ये भी जाने वाला भी चला गया, इसका पैसा सब हम लूट रहे हैं। और किधर है, जल्दी आओ बोलो भाई किधर हो तुम लोग। लेकिन आज छोटे वाले बाप रे कितना बड़ा मेंशन है गाइस, मुझे लगा मुझे कब जाकर लेना चाहिए था भाई साहब, कितना अच्छा मेंशन है, लेकिन रो फिर हुआ है तो सच्चाई का पहले करना पड़ेगा रक्षा। और गाइस देख लो चलते चलते मार रहे हैं सबको, अबे आ जा 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 जा। तो गाइस यहाँ पर, अरे भाई अरे यार गन रिलोड करने दे। तो गाइस ये जो है उनका, हमको कॉकरोच बोला गाइस इसने, तो गाइस ये जो इसका मालिक है ये बोल रहा है कॉकरोच, तुम कॉकरोच को मार डालो। और कॉकरोच बोलता है भाई साहब हमें, कॉकरोच बोलेगा भाई, कॉकरोच बोलेगा तुम्हें, कॉकरोच मैं दिखता हूँ तुझे, चश्मा लगा ले ज़्यादा अगर दिखता है तो गाइस। लेकिन देखिए मतलब इतने बड़े मेंशन में मुझे कॉकरोच बोल रहा है, कोई भी कुछ भी बोल देता है भाई, इज्जत करो हमारी नहीं तो खूब पीटेंगे। तो गाइस अब मेंशन के मालिक ने हमें दे दिया है 250 डायमंड, 250 डायमंड गाइस हमें मिल चुके हैं, और अभी इसीलिए हम पार्टी करने वाले हैं गाइस, पार्टी नहीं भाई अब रहने दो। और गाइस फटाफट से चलते हैं भाई, टिप्सन भाई की गाड़ी इधर ही है, टिप्सन भाई को मैं पहले बता दूँ। और हमारा दोस्त फिर से रिटर्न आ गया, देखिए उसमें बैठा है ग्रीन शर्ट का, देख रहे हैं आप उसके अंदर बैठा हो, तो कोई बात नहीं अभी ये काम हो गया हमारा, जिस काम के लिए आते। टिप्सन भाई को फटाक से बता दूँ गाइस कि अब हमें 250 डायमंड तो मिल गए, लेकिन अब क्या होगा कि क्या खरीदते हैं डायमंड्स का, आप अगर बेचने जाएंगे तो दूसरे शहर में बेचना पड़ेगा, वेस्ट टाउन सिटी में डायमंड कोई नहीं खरीदता गाइस, बस देते हैं सब, खरीदता कोई नहीं है। और मैं जू करके पहुँच जाऊँगा 1-2 तक, फिर से एक बार बोल रहा हूँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कहाँ गया भाई टिप्सन भैया घर, हाँ ये वाह भाई साहब इन्हें टिप्सन भाई की गाड़ी बहुत डिफ्ट मारती है। हेलो टिप्सन भाई काम हो गया, 250 डायमंड मिल गया, मुझे पता है रुपी हो, ठीक है तुम कुछ भी करो अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो गाइस हमारा काम हो गया, तो आपका भी काम हो गया गाइस, वीडियो आपने देख लिया, थैंक यू।